नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल क्लासमेट नितेश पर। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है स्पेलिंग रूल्स पार्ट थर्ड। इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड मैंने पहले ही बनाकर YouTube पर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या आई बटन दोनों जगह मिल जाएगा। तो अभी तक उन दोनों पार्ट्स को आपने नहीं देखा है तो जाइए देखिए, और देख चुके हैं तो बहुत अच्छे, इस पार्ट को भी ज़रूर देखिएगा। तो इस पार्ट में मैं आपको जो यहाँ पर चार पॉइंट लिखे हुए हैं उनसे जुड़े हुए स्पेलिंग रूल्स बताने वाला हूँ। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, स्पेलिंग रूल्स पार्ट थर्ड, लेट्स बिगेन। आज का हमारा फर्स्ट रूल है सीड, सीड और सीड। देखिए इन तीनों की स्पेलिंग, देखिए इन तीनों की स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और इसी में ही स्पेलिंग मिस्टेक होती है, क्योंकि इन तीनों का जो प्रोनंसिएशन है वो क्या होता है, सीड होता है, और तीनों का जो प्रोनंसिएशन है वो सीड है, पर स्पेलिंग क्या है वो जो अलग अलग है। तो यहाँ पर इनसे बनने वाले तीन वर्ड भी हैं, प्रोसीड, रिसीड और सुपरसीड। तो इनका जो प्रोनंसिएशन है वो तो सेम हो रहा है बट स्पेलिंग जो है अलग है। तो इनसे जुड़ा हुआ रूल जानेंगे हम। अंग्रेजी भाषा में अंत में एस ई डी वाला एक ही शब्द है, जिस वर्ड के लास्ट में एस ई डी आता है वो केवल अंग्रेजी में एक ही है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है सुपरसीड, यानी कि जगह लेना। तो इसका तो डाउट आपको क्लियर हो गया कि ये तो सिर्फ सुपरसीड के साथ ही आएगा, एस ई डी। इसी तरह अंत में सीड वाले शब्द अंग्रेजी में तीन हैं, सी डबल ई डी, इससे बनने वाले भी तीन ही शब्द हैं अंग्रेजी में, वे नीचे लिखे हुए हैं, प्रोसीड, एक्सीड और सक्सीड। तो ये भी इसका भी डाउट क्लियर हो गया कि ये सिर्फ तीन ही वर्ड्स के साथ आता है, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं प्रोसीड, एक्सीड और सक्सीड। अब बात करते हैं हम एस ई डी की। इसी तरह अंत में एस ई डी सीड वाले शब्द अंग्रेजी में आठ हैं, वे यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं। तो चलिए वन बाय वन इनको भी देख लेते हैं। एक्सीड यानी स्वीकार करना, कंसीड यानी मान लेना, एंटीसीड यानी पहले होना, सीड यानी सौंपना, प्रीसीड यानी पूर्व में होना, सेसीड यानी कि अलग होना, एंटीसीड यानी कि मध्यस्थता करना, और रिसीड यानी पीछे जाना। तो एस ई और डी से बनने वाले सारे जो आठ वर्ड हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आई होप गाइस आपको जो सी ई डी और एस ई डी और सी डबल ई डी, इनसे जुड़े हुए रूल अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड है हमारा ओ यू एस या यू एस से जुड़ा हुआ। तो ओ यू एस किन वर्ड के लास्ट में आता है और यू एस किन वर्ड के लास्ट में आता है, ये देखते हैं। एडजेक्टिव यानी विशेषण के अंत में ओ यू एस आता है और संज्ञा यानी कि नाउन के अंत में यू एस आता है। तो ये भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि जो यू एस है वो किसके लास्ट में आता है, नाउन यानी संज्ञा के लास्ट में, और ओ यू एस वो किसके लास्ट में आता है, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण के लास्ट में। तो यहाँ पर जो सारे वर्ड लिखे हुए हैं वे क्या हैं, नाउन हैं, जैसे कि एपरेटस यानी कि उपकरण, कैक्टस यानी नागफली, कैंपस यानी स्कूल या कॉलेज का मैदान, हिप्पोपोटामस यानी कि दरियाई घोड़ा, स्टेमलस यानी कि प्रोत्साहन, स्टेटस यानी कि स्थिति। ये तो सारे हो गए नाउन। अब देखते हैं एडजेक्टिव। डेंजरस यानी कि खतरनाक, जेनरस यानी कि उधार, होमरस यानी कि हास्यात्मक, मार्वलस यानी कि अनोखा, मॉन्स्ट्रस यानी कि राक्षसी, रिड्यूकुलस यानी कि हास्यास्पद। तो ये सारे क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गए। अब हम देखते हैं रूल नंबर थ्री, सी वाई या एस वाई से जुड़ा हुआ रूल है ये। अंग्रेजी में बहुत कम शब्द हैं जिनके अंत में एस वाई का प्रयोग किया जाता है, उनमें से कुछ प्रमुख शब्द हैं। बहुत कम शब्द हैं अंग्रेजी में जिनके लास्ट में एस वाई का यूज़ किया जाता है, और उनमें से जो प्रमुख शब्द हैं जिनका ज़्यादा यूज किया जाता है वे सारे वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो देख लीजिए एक बार, एपोटेसी, फैंटेसी, एक्सेटेसी, हाइपोक्रेसी, इंडियोनक्रेसी, हैरेसी। तो यहाँ पर जो वर्ड लिखे हुए हैं और उनका मीनिंग भी लिखा हुआ है, तो एक बार देख लीजिएगा जिनके वर्ड के लास्ट में एस वाई आता है। अब हम देखते हैं अंत में सी वाई वाले कुछ शब्द, बैंक्रप्टसी यानी कि दिवालियापन, डेमोक्रेसी यानी जनतंत्र, फॉल्सी यानी कि भ्रांति, ओबेंटेंसी यानी कि हट, प्राइवेसी यानी एकांत, लिटरेसी यानी कि साक्षरता। तो ये जो जिन वर्ड के लास्ट में शी वाई आता है उनसे जुड़े हुए कुछ
इम्पोर्टेंट वर्ड हैं जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। अब हम देखते हैं रूल नंबर 4, अंत में ई एफ वाई वाले शब्द भी बिल्कुल गिने चुने हैं जिन वर्ड के लास्ट में ई एफ वाई आता है। तो इनसे बनने वाले वर्ड देखते हैं, डिफाई यानी कि उपेक्षा करना, लिक्विफाई यानी कि द्रव बनाना, प्योट्रीफाई यानी कि सड़ना, रेरीफाई यानी विरल होना, स्ट्रिफिफाई यानी कि मतिमंद करना। अंत में आई एफ वाई वाले कुछ शब्दों के एग्जांपल देख लीजिए, जिन वर्ड के लास्ट में आई एफ वाई आते हैं उनसे जुड़े भी कुछ वर्ड देखते हैं, न्यूलीफाई यानी अमान्य ठहराना, रेस्टिफाई यानी सुधारना, टेस्टिफाई यानी गवाही देना, पेसीफाई यानी शांत करना, सिग्निफाई यानी प्रकट करना, प्योरीफाई यानी शुद्ध करना। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को कीजिए लाइक, और हमारे इस YouTube चैनल क्लासमेट नितेश पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरीके की एजुकेशन वीडियो मिलती रहे। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, हैव अ नाइस डे।